सभी मंडल अध्यक्ष भाई आपका नाम तुम्हें टी शर्ट किसने आने को बोला था? ये गलत बात है भैया, बहुत बहुत बधाई भाई सभी को, ताली तो बजा रहे हैं, शुभकामना। मेरे को कोई नंबर नहीं है, पूरा खिलाना आज हमने स्वागत किया है अपने दोनों नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का, आदरणीय अश्विनी शर्मा जी और जयप्रकाश ठाकुर जी का। जैसा देखा जा रहा है कि दोनों का विरोध पूरे विधानसभा में चल रहा है और ऐसे में 2025 का चुनाव यदि ब्राह्मणवाद देखा जाए तो सीट ब्राह्मण है और आपको टिकट मिलता है तो कैसे कार्यकर्ता जो नाराज है वो कैसे मनाए जाएंगे? नहीं नहीं, सभी कार्यकर्ता मेरी टिकट मुझे मिले या किसी भी कार्यकर्ता को मिले, हमारा एक बूथ अध्यक्ष भी गोपाल राय को हराने के लिए सक्षम है। रही बात ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण सभी कार्यकर्ता चाहे ठाकुर समाज से मिले जयप्रकाश जी ठाकुर हैं, ब्राह्मण समाज से मिले तो अश्विनी शर्मा जी भी ब्राह्मण है, सुभाष मोहल्ले से बबली पंडित जी हमारे वो भी मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी ब्राह्मण है, तो जिसकी को भी दे। हमारे ही पार्टी में जातिवाद राजनीति में नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी कार्यकर्ता को प्रदेश नेतृत्व टिकट देगा वो गोपाल राय को 100% हराएगा। गोपाल राय को आगे हराना है? नहीं, हम अपनी पार्टी जिताना चाहते हैं, उन्हें कैसे जिता सकते हैं, हम लोग ही तो सब पार्टी है। क्योंकि लगातार बाबरपुर विधानसभा की जनता त्रस्त है गोपाल राय से, गोपाल राय जी यहाँ नजर नहीं आते, लगातार जितना भी उन्होंने काम किया है लगातार सब में भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे मिनी स्टेडियम ले लो आप, जितने भी काम किए जहाँ बीजेपी के काउंसलर है, चाहे पहले हम रहे हो या मुकेश जी और आशीष पुनिया हो, हमारे दो काउंसलर उन दोनों वार्डो को छोड़ के दोनों वार्डो का बुरा हाल है। वहाँ हाजी शरीफ है कांग्रेस का और इधर प्रियंका प्रेम बाबू सक्सेना, दोनों ही वार्डों का बुरा हाल है, जनता बहुत परेशान है। करप्शन के तो जेल में क्यों नहीं? नहीं, लगातार चल रहा है, लोगों ने कंप्लेंट की हुई है, जेल में भी जाएंगे, इनके बॉस तो भी जेल से आए हैं, सारे बॉस इनके लगातार जेल जा रहे हैं, जेल आ रहे हैं, तो इनका तो जेल से बहुत नजदीक ही नाता है, तो ये भी जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मंडल अध्यक्ष जी ने स्वागत किया, सचिन जी हमारे साथी हैं, हमारे चेयरमैन है और मेरे द्वारा चुनाव लड़वा कर जिता कर लाया था मैं अपने समय में 2017 में, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात, सचिन जी का अपना एक व्यक्तित्व है, उन्होंने 6 वर्ष सेवा की है क्षेत्र की और आज तक पूरे वार्ड क्षेत्र में मेरे मंडल क्षेत्र में सचिन जी का कार्यकर्ता सम्मान करते हृदय से गहराई से और ये उनका सम्मान बनता भी है। 25 में अगर टिकट लेकर तैयार है? अरे भाई, मैंने पहले बोला आपको, मेरे प्रत्याशी रहे हैं जिताकर, काउंसलर बनाया, काउंसलर 6 साल चेयरमैन बना के रखा मैंने, और क्या लोग। अरे कोई दिक्कत क्या अलग होता है, हमारे लिए लोकसभा भी बराबर ही है, निगम के बराबर ही है, हमारे यहाँ प्रत्याशी जो होता है हमारा कमल का फूल होता है, जो हमारा साथी सिंबल लेकर आता है उसको हम लड़वाते हैं जी जान से और जिताने के लेकर आते हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगाई ना जी लोकसभा में, हमारे लिए मायने नहीं रखता। देखिए, स्वागत तो ये रोज चल रहे हैं पर ये तो हमारा घर है, हमारे मान है, ये स्वागत नहीं, हमारे मान है, इन्होंने हमें यहाँ बुलाया है तो इज्जत भी दी है, बाकी हमारे तो रिश्तेदार भी है, मान भी है, सब कुछ है, तो यहाँ हमारा कोई स्वागत वाला कोई वो नहीं है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। हाँ। राधे राम जी, क्या शुभकामना, क्या बधाई देना चाहेंगे? देखिए, जो अपने नवनियुक्त दोनों हमारे प्रधान है, दोनों ही मेरे भाई हैं, पहले से ही भाई हैं और पहले भी मंडल अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने पार्टी की सेवा की है, तो जो भी क्षेत्र के अंदर कार्यकलाप होंगे पार्टी के लिए जी जान से कार्य करेंगे और जो भी पार्टी टिकट लाएगी किसी को भी दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं किसको, उसको ये जिताने में सक्षम है और जिताएंगे, तो मेरा तो यही इनके लिए शुभकामना है, ये स्वस्थ रहें, पार्टी के लिए अच्छा कार्य करें और जो भी प्रत्याशी टिकट लेके इनको भी मिल सकती है, इनको भी मिलती है, तो सभी लोग हम भी सब इनके लिए कार्य करेंगे और जो भी लाएगा उसको जिताएंगे।